हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टीम में। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं, और आज की क्लास में हम सामान्य हिंदी का सर्वनाम चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं कि सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, इन सबको पढ़ेंगे। और फिर इसके बाद इससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि सर्वनाम किसे कहते हैं। ठीक है, सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम की परिभाषा हम पढ़ते हैं। सर्वनाम, ठीक है, सर्वनाम किसे कहते हैं, तो संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, चलिए इसको लिखते हैं। संज्ञा के बदले, जिन शब्दों का, प्रयोग किया जाता है, उसे सर्वनाम कहते हैं, उसे हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जैसे 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 मैं, तुम, हम, वे, मेरा, उसे, आदि, ये सब क्या है, ये सब सर्वनाम है। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब सर्वनाम है। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं कि वह पढ़ने में तेज है, वह पढ़ने में तेज है, वह पढ़ने में तेज है, तो इसमें सर्वनाम कौन सा होगा, तो इसमें सर्वनाम होगा हमारा कौन, वह क्या होगा, सर्वनाम होगा, वह क्या होगा, सर्वनाम होगा। ठीक है, किसके किसके लिए आया है, तो ये संज्ञा के बदले आया है। जैसे हमने लिखा कि राम पढ़ने में तेज है। ठीक है, अब हम राम की जगह पे वही लिख देते हैं कि वह पढ़ने में तेज है, तो ये किसके, राम क्या है, राम संज्ञा है, तो राम के बदले क्या है, यहाँ पे आया है, तो राम के बदले जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो सर्वनाम किसे कहते हैं, हमने समझ लिया कि संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम जैसे मैं, तुम, हम, वे, मेरा, उसे, उसने, वह आदि, ये सब क्या होते हैं, यह सर्वनाम होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि हिंदी में कुल सर्वनाम कितने होते हैं, हिंदी में कुल सर्वनाम कितने होते हैं, हिंदी में, कुल कितने सर्वनाम होते हैं, कुल 11 सर्वनाम होते हैं, 11 सर्वनाम होते हैं। कौन कौन से, चलिए इसको लिखते हैं, हम हिंदी में सर्वनाम कौन कौन से होते हैं उसको हम लिख देते हैं। तो मैं तुम आप, यह वह जो सो, कोई, क्या, कुछ, और कौन। ठीक है, हिंदी में मूल कितने, मूलतः कितने सर्वनाम होते हैं, तो हिंदी में मूलतः 11 सर्वनाम होते हैं। कौन कौन से, मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, क्या, कुछ और कौन। ठीक है, इन्हीं मूल सर्वनामों कौन से क्या है, इन्हीं मूल सर्वनामों से क्या है कि सर्वनाम की, सर्वनाम के प्रकार की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, इन मूल सर्वनामों से सर्वनाम के प्रकार की उत्पत्ति होती है। अब देखते हैं कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। ठीक है, सर्वनाम के भेद के बारे में पढ़ते हैं कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, सर्वनाम के भेद। ठीक है, सर्वनाम के भेद के बारे में पढ़ते हैं, तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के
सर्वनाम के 6 वेद होते हैं, ठीक है। सर्वनाम के कितने वेद होते हैं? तो सर्वनाम के 6 वेद होते हैं। चलिए इसको लिखते हैं, कौन कौन से? तो पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, वाचक सर्वनाम। और पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, सर्वनाम। और छठा है हमारा निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के 6 वेद होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? तो पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा होता है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, और छठा होता है निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। अब बात करते हैं, पहला पढ़ते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, ठीक है। चलिए पहला पढ़ते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम को। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुष वाचक सर्वनाम, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, ठीक है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो जो सर्वनाम किसी पुरुष या किसी पुरुष कोष्ठ में स्त्री या पुरुष के लिए प्रयोग में आता हो उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। चलिए इसको लिखते हैं, जो सर्वनाम, जो सर्वनाम किसी पुरुष, पुरुष में क्या है कि पुरुष या स्त्री दोनों के लिए, ठीक है, पुरुष या स्त्री के लिए प्रयोग में, के लिए प्रयोग में आता है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम सर्वनाम उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसे हमने लिखा, जैसे जैसे तुम, मैं, वह आदि, ये सब क्या है? ये सब पुरुषवाचक सर्वनाम है, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? तो जो सर्वनाम किसी पुरुष, ठीक है, या स्त्री के लिए प्रयोग में आता है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। जैसे तुम, मैं, वह, ये सब क्या है? ये सब पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब बात करते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी क्या होते हैं? 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। पुरुषक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं, कौन से? तो पहला होता है उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। पहला होता है उत्तम पुरुष, जिसे हम एकल पुरुष कहते हैं, एकल, जिसे हम एकल पुरुष भी कहते हैं, ठीक है। पहला होता है उत्तम पुरुष, जिसे हम एकल पुरुष भी कहते हैं। चलिए इसको पढ़ते हैं हम, ठीक है, साथ साथ पढ़ते हुए चलेंगे। तो एकल पुरुष किसे कहते हैं या उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? तो बात कहने वाले को हम उत्तम पुरुष कहते हैं। बात करने वाले को हम क्या कहते हैं? वक्ता कहते हैं।
वक्ता को हम क्या कहते हैं, उत्तम पुरुष कहते हैं। ठीक है, बात कहने वाले, कहने वाले, बात कहने वाले वक्ता, वक्ता को उत्तम पुरुष कहते हैं। ठीक है, बात कहने वाले वक्ता को हम क्या कहते हैं, उत्तम पुरुष कहते हैं। ठीक है, जैसे 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 मैं हम, ये सब क्या है, ये सब उत्तम पुरुष में आते हैं। ठीक है, उत्तम पुरुष क्या है कि बात कहने वाले वक्ता को हम उत्तम पुरुष कहते हैं। ठीक है, मैं क्या है, मैं उत्तम पुरुष है, हम क्या है, हम तो हम भी क्या है, उत्तम पुरुष है। ठीक है, चलिए दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा है हमारा मध्यम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष। दूसरा है मध्यम पुरुष, ठीक है, मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष किसे कहते हैं, चलिए इसको पढ़ते हैं हम। मध्यम पुरुष किसे कहते हैं, तो जिस जिससे बात कही जाए, यानी इससे जिससे बात कही जाए वह मध्यम पुरुष होता है। ठीक है, जिससे बात कही जाए वो क्या होता है, वह श्रोता होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, जिससे बात कही जाए उसमें श्रोता वह क्या होता है, मध्यम पुरुष होता है। ठीक है, चलिए इसको लिखते हैं हम, जिससे बात कही जाए उसे हम क्या बोलते हैं, श्रोता बोलते हैं। ठीक है, श्रोता वह मध्यम पुरुष है, वह मध्यम पुरुष कहलाता है या मध्यम पुरुष है, मध्यम पुरुष है। जैसे 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 तुम आप, तुम आप आदि, ये क्या है, ये मध्यम पुरुष है। जिससे बात कही जाए यानी श्रोता से जो बात कही जाए वो क्या होता है, मध्यम पुरुष होता है। ठीक है, वह क्या है, वह मध्यम पुरुष है। तो तुम आप, ये क्या हो गया, ये मध्यम पुरुष हो गया। ठीक है, चलिए अगला पढ़ते हैं। अगला है तीसरा, तीसरा है हमारा अन्य पुरुष। ठीक है, अन्य पुरुष, अन्य पुरुष। ठीक है, अन्य पुरुष किसे कहते हैं, चलिए इसको पढ़ते हैं हम। तो जिसके श्रोता और वक्ता को छोड़कर संबंध से, जिससे जिसके संबंध में बात कही जाए वह क्या होता है, अन्य पुरुष होता है। ठीक है, जिसके संबंध में बात कही जाए वह अन्य पुरुष होता है, और जिसके संबंध में अर्थात क्या है, श्रोता और वक्ता को छोड़कर जिसके संबंध में बात कही जाए वो क्या होता है, अन्य पुरुष होता है। चलिए इसको लिखते हैं और एग्जाम्पल से इसको समझेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, जिसके कोष में श्रोता और को छोड़कर, वक्ता को छोड़कर संबंध में बात कही जाए या कही गई, बात कही गई, ठीक है, बात कही गई हो, वह अन्य पुरुष है, वह अन्य पुरुष है। ठीक है, जैसे 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 हमने लिखा, जैसे जैसे वह वे, ये क्या है, अन्य पुरुष है। ठीक है, जिसके संबंध में बात कही गई
वह क्या होता है, अन्य पुरुष होता है, ठीक है, जिसके संबंध में, यानी श्रोता और वक्ता को छोड़कर जिसके संबंध में बात कही गई वह क्या होता है, अन्य पुरुष होता है। तो अन्य पुरुष में क्या होता है, वह और वे क्या है, ये अन्य पुरुष है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए इसको एक एग्जाम्पल लिखते हैं और उससे हम समझते हैं कि क्या है कि उत्तम पुरुष किसे कहते हैं, मध्यम पुरुष का की क्या होता है और अन्य पुरुष क्या होता है, ठीक है। जैसे हमने लिखा कि मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि वे लड़के जो एक वहां एकत्रित हैं वे अच्छे चरित्र के नहीं है, ठीक है। चलिए लिखते हैं हम इसको और समझते हैं कि कौन सा उत्तम पुरुष है, कौन सा मध्यम पुरुष है, कौन अन्य पुरुष है, कहां किसका प्रयोग हुआ है, ठीक है। चलिए इसको लिखते हैं कि मैं आप को यह आपको यह बताना आपको यह बताना चाह रहा हूं चाह रहा हूं चाह रहा हूं कि वे लड़के जो वहां एकत्रित हैं जो वहां एकत्रित हैं वे अच्छे चरित्र अच्छे वे अच्छे चरित्र नहीं है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे समझते हैं कि कहाँ पे क्या है कि उत्तम पुरुष का प्रयोग हुआ है, कहाँ मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है और कहाँ अन्य पुरुष का प्रयोग हुआ है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे क्या है कि मैं क्या है, मैं किसमें आता है, तो मैं अन्य पुरुष सॉरी उत्तम पुरुष में आता है, ठीक है। मैं क्या होता है, उत्तम पुरुष में होता है। तो यहाँ पे मैं क्या है, मैं यहाँ पे उत्तम पुरुष है, उत्तम पुरुष, ठीक है। मैं क्या होगा, उत्तम पुरुष होगा। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, तो आप क्या है, आपकी आपका प्रयोग कहाँ होता है, तो ये मध्यम पुरुष में होता है, ठीक है। हमने अभी आपको लिखाया कि आप क्या है, मध्यम पुरुष है, आप मध्यम पुरुष, ठीक है, आप क्या है, मध्यम पुरुष है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि वे यहाँ पे वे का प्रयोग हुआ है, तो वे क्या है, वे अन्य पुरुष में इसका प्रयोग होता है, वे का, ठीक है। तो अन्य पुरुष में वे का प्रयोग होता है कि वे लड़के जो वहां एकत्रित हैं वे अच्छे चरित्र के नहीं है, ठीक है। यहाँ भी वे का प्रयोग हुआ है, तो ये भी क्या होगा, ये अन्य पुरुष, ठीक है। अन्य पुरुष में कौन कौन से होता है, तो अन्य पुरुष में वह वे, ठीक है। मध्यम पुरुष में तुम आप, ये क्या है, मध्य पुरुष में, और उत्तम पुरुष में मैं और हम क्या होते हैं, उत्तम पुरुष होते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल से समझ में आ गया कि उत्तम पुरुष और मध्य पुरुष और अन्य पुरुष का प्रयोग कैसे होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हम दूसरा पढ़ते हैं, क्या है दूसरा, हम पढ़ेंगे कि निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, ठीक है। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, दूसरा है निश्चयवाचक निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, तो जिस सर्वनाम से किसी वस्तु का निश्चित बोध होता है वह निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, ठीक है। चलिए इसको लिखते हैं हम, जिस सर्वनाम से किसी वस्तु का निश्चित बोध होता है, निश्चित बोध होता है
होता है वह निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, वह निश्चय वाचक सर्वनाम सर्वनाम होता है। ठीक है, जिस सर्वनाम से किसी वस्तु का निश्चित बोध होता है उसे वह निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल लिखते हैं, एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने लिखा कि वह अच्छी पुस्तक है, वह अच्छी पुस्तक है। ठीक है, वह अच्छी पुस्तक है, तो यहाँ पे क्या है कि निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है कि जिस सर्वनाम से किसी वस्तु का निश्चित बोध होता है वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होगा, तो यहाँ पे वह क्या होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, यहाँ पे निश्चितता का बोध हो रहा है कि वह अच्छी पुस्तक है, वह निश्चित निश्चित ही क्या है, पुस्तक अच्छी है ऐसा कहा जा रहा है। तो यहाँ पे वह क्या होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, जैसे ऐसे ही मैंने लिखा कि यह सर्प है, यह सर्प है। ठीक है, यह सर्प है, तो यहाँ पे निश्चित कहा जा रहा है कि यह सर्प है, क्या है, निश्चितता का बोध हो रहा है कि यह सर्प ही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यह क्या होगा, यहाँ पे यह निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अगला पढ़ेंगे। अब अगला है हमारा तीसरा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा हम पढ़ेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, तो जिस सर्वनाम से किसी वस्तु का निश्चित बोध नहीं होता है उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, चलिए इसको लिखते हैं और एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। जिस सर्वनाम से किसी वस्तु का निश्चित बोध नहीं होता है, सर्वनाम से किसी वस्तु का निश्चित बोध नहीं होता उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जिस सर्वनाम से किसी वस्तु का निश्चित बोध नहीं होता है उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन कौन से होते हैं, तो जैसे कोई कुछ, कोई कुछ, कोई कुछ, ये सब क्या है, ये सब अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे जैसे हमने लिखा कि कोई आया, कोई आया, कोई आया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं है कि यहाँ पे कौन आया है। ठीक है, तो निश्चित बोध नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो ये क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, ऐसे ही हमने लिखा कि वहां कुछ है, वहां वहां कुछ है, तो यहाँ पे भी क्या है कि निश्चित नहीं हो रहा है कि वहां क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अनिश्चितता का बोध हो रहा है, निश्चित बोध नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे कुछ क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, यहाँ पे कोई क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हम पढ़ेंगे चौथा नंबर। चौथा है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, तो दो व्यक्तियों या वस्तुओं के परस्पर दो
व्यक्ति हो या वस्तुओं के पारस्परिक संबंध को व्यक्त करने वाले सर्वनाम को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, चलिए इसको लिखते हैं हम। दो व्यक्तियों, दो व्यक्तियों अथवा अथवा दो व्यक्तियों अथवा वस्तुओं वस्तुओं के पारस्परिक पारस्परिक संबंध को व्यक्त करने वाले संबंधों को व्यक्त करने वाले सर्वनाम संबंध व्यक्त करने वाले सर्वनाम सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। वस्तुओं के पारस्परिक संबंधों को व्यक्त करने वाले सर्वनाम क्या कहलाते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जैसे जो तो ठीक है, जहां पे जो सो का प्रयोग हुआ रहेगा वहां पे क्या होगा? संबंधवाचक सर्वनाम होगा। जैसे जैसे हम लिखते हैं कि जैसे हम लिखते हैं कि जो बनेगा सॉरी जो बनाएगा सो खाएगा, जो बनाएगा सो खाएगा। जो बनाएगा सो खाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि जो और सो का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा? ये आपस में क्या है? संबंध व्यक्त कर रहा है कि जो बनाएगा वो खाएगा, यानी जो बनाएगा वो खाएगा। इन दोनों में क्या है? संबंध व्यक्त हो रहा है। ठीक है, जैसे हमने एक और एग्जाम्पल लिखते हैं हम कि जो तुम चाहो करो, जो तुम चाहो करो, जो तुम चाहो करो। ठीक है, यहाँ पे क्या है? जो का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे भी होगा कि जो तुम चाहो करो। इसमें क्या है? आपस में इन दोनों का संबंध व्यक्त हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? संबंधवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हम पांचवा पढ़ेंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो प्रश्न का बोध कराने वाले सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, प्रश्न का बोध कराने वाले सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। चलिए इसको लिख देते हैं, प्रश्न का बोध कराने वाले सर्वनाम सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, जैसे जैसे प्रश्नवाचक सर्व जैसे जैसे कौन, क्या, क्यों, कैसे। कौन, क्या, कौन, क्या, क्यों, कैसे। ये सब क्या है? ये सब प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है, जैसे हमने लिखा, जैसे वहां कौन खड़ा है, वहां वहां कौन खड़ा है, वहां कौन खड़ा है, और लास्ट में क्या होगा? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन क्या है? क्या है? प्रश्न का बोध करा रहा है। क्या? प्रश्न पूछने का, कि वहां पूछ रहा है कि वहां कौन खड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, यहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम, यहाँ पे क्या है? कौन है। ठीक है, कौन खड़ा है, वहां कौन खड़ा है। ठीक है, और एक और एग्जाम्पल लिखते हैं।
वह क्या चाहता है, वह क्या चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक क्या है, क्या, और यहाँ पूछा जा रहा है कि वह क्या चाह रहा है, यानी प्रश्न पूछा जा रहा है कि वह चाह क्या रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या क्या होगा, यहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हम पढ़ेंगे 6 नंबर। छठा है हमारा, छठा क्या है, निजवाचक सर्वनाम। छठा है निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सर्वनाम से कर्ता का बोध होता है, वह निजवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, चलिए इसको लिखते हैं हम। जिस सर्वनाम से कर्ता का बोध होता हो, कर्ता का बोध होता, कर्ता का बोध होता है, वह निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम, जैसे जैसे आप, आपका प्रयोग कहाँ होता है, तो निजवाचक सर्वनाम में हमेशा आपका प्रयोग होता है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम लिखते हैं, जैसा कि आप जैसा समझे करें, आप जैसा समझे। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या है, किसका बोध करा रहा है, तो कर्ता का बोध करा रहा है। ठीक है, जिस सर्वनाम से कर्ता का बोध हो, वह क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है। तो यहाँ पे आप क्या है, कर्ता का बोध करा रहा है, तो आप जैसा समझे करें। ठीक है, तो आप क्या हुआ, निजवाचक सर्वनाम हुआ। ठीक है, जैसे एक और एग्जाम्पल लिख रहे हैं कि उसे मत छोड़ो, उसे मत छेड़ो, वह आप ही चला जाएगा, वह अपने आप ही चला जाएगा। जैसे एक और एग्जाम्पल लिखते हैं हम कि यह आपका ही हो गया, यह आप का ही गया। ठीक है, यहाँ पे आप क्या है, आप क्या है, कर्ता का बोध करा रहा है। ठीक है, तो आप क्या होगा, यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक है, तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं, 6 के बारे में हमने बारी बारी से पढ़ लिया। ठीक है, सर्वनाम किसे कहते हैं उसके बारे में पढ़ा, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, 6 को बारी बारी से हमने पढ़ा। अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को कहते हैं। ठीक है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन है सर्वनाम, ऑप्शन बी है विशेषण, ऑप्शन सी है क्रिया, ऑप्शन सी अव्यय। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम, अगला है सर्वनाम है। ठीक है, सर्वनाम है। ठीक है, आपको बताना है कि सर्वनाम क्या है, तो ऑप्शन ए भिखारी शब्द, ऑप्शन बी अभिकारी शब्द, ऑप्शन सी है दोनों, और ऑप्शन ये दोनों नहीं। तो क्या है कि सर्वनाम क्या है, आपको बताना है, तो सर्वनाम क्या है, तो सर्वनाम भिखारी शब्द है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम, अगला है अशुद्ध वाक्य चुनिए। ठीक है, अशुद्ध वाक्य चुनना है, तो ऑप्शन ए वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, ऑप्शन बी है आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ, ऑप्शन सी है मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, ऑप्शन सी है मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी। तो इसमें अशुद्ध वाक्य बताना है, तो इसमें अशुद्ध वाक्य क्या होगा, तो मैं तेरे को घड़ी दूंगी, ये क्या है, ये अशुद्ध वाक्य है। ठीक है, मैं तेरे को घड़ी दूंगी, यहाँ पे तेरे नहीं होगा, मैं तुमको घड़ी दूंगी, मैं तुमको एक घड़ी दूंगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है कौन हो तुम बसंत के दूत, इस वाक्य में रेखांकित शब्द है। ठीक है, तुम हमको बताना है कि यह कैसा सर्वनाम है। ठीक है, तो ऑप्शन ए उत्तम पुरुष सर्वनाम, ऑप्शन बी है मध्यम पुरुष सर्वनाम, ऑप्शन सी अन्य पुरुष सर्वनाम, और ऑप्शन ये इनमें से कोई नहीं।
तुम क्या है, तुम कौन सा सर्वनाम है, उत्तम पुरुष सर्वनाम है या मध्यम पुरुष सर्वनाम है या अन्य पुरुष सर्वनाम है? तो तुम क्या है, तो तुम क्या है, मध्यम पुरुष सर्वनाम है। ठीक है, तुम मध्यम पुरुष सर्वनाम है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। मध्यम पुरुष सर्वनाम में और कौन कौन से होते हैं? तो तू, तुम और आप, मध्यम पुरुष सर्वनाम है। उत्तम पुरुष सर्वनाम में तो मैं और हम, मैं और हम। ठीक है, अन्य पुरुष सर्वनाम में, तो अन्य पुरुष सर्वनाम में वह वे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस प्रकार का सर्वनाम है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए उत्तम पुरुष, ऑप्शन बी मध्यम पुरुष, ऑप्शन सी अन्य पुरुष। तो मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, तो मुझे ये क्या है, उत्तम पुरुष सर्वनाम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है, सर्वनाम के प्रकार है, सर्वनाम के कितने प्रकार है, अभी हमने आपको पढ़ाया, तो सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? तो पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ये क्या होता है, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, तो ऑप्शन ए क्या, ऑप्शन बी कुछ, ऑप्शन सी कौन और ऑप्शन ए यह। तो निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, उसको हम जानते हैं। तो निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है कि दूर या पास स्थित किसी वस्तु का निश्चित निश्चयात्मक बोध कराने वाले सर्वनाम क्या होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। या इसी को हम इस तरह कह सकते हैं कि जिस सर्वनाम से किसी वस्तु का निश्चित बोध होता है उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो निश्चयवाचक सर्वनाम कौन कौन से होते हैं? तो निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं यह, वह, वे, ये सब क्या है, ये सब निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है, इनमें से इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम को बताना है। तो ऑप्शन ए कौन, ऑप्शन ये जो, ऑप्शन सी कोई और ऑप्शन ये वह। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो अनिश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध कराने वाले सर्वनाम क्या कहलाते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन कौन से होते हैं? तो कोई, कोई, कुछ, ये क्या है, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? कोई, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। सर्वनाम का विकारक शब्द है, इनमें सर्वनाम का विकारक शब्द आपको बता रहा है कौन सा है? तो ऑप्शन ए लिंग, ऑप्शन बी वचन, ऑप्शन सी कारक और ऑप्शन ये तीनों। तो इनमें सर्वनाम का विकारक शब्द है, तो इनमें सर्वनाम का विकारक शब्द कौन सा है? तो ये है, क्या है, लिंग भी है, वचन भी है और कारक भी है। ठीक है, ये तीनों है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है, इनमें कौन कारक सर्वनाम के लिए उपयुक्त नहीं है, इनमें कौन कारक सर्वनाम के लिए उपयुक्त नहीं है? तो ऑप्शन ए कर्म, ऑप्शन बी कर्ता, ऑप्शन सी संबोधन और ऑप्शन ए संप्रदान। ठीक है, तो कौन सा कारक है जो सर्वनाम के लिए उपयुक्त नहीं है? ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो संबोधन क्या है, ये सर्वनाम के लिए प्रयुक्त नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम हमको छाटना है। तो ऑप्शन ए मैं, तुम, हम, ऑप्शन बी यह, वह, ऑप्शन ये कोई, कुछ, ऑप्शन सी जो सो। ठीक है, तो संबंधवाचक सर्वनाम हमको बताना है कि संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा होगा? तो संबंधवाचक सर्वनाम होगा जो सो। जो सो क्या है? ये संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है, कोई, कुछ, कोई, कुछ, ये क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। यह क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह क्या है, निश्चय वाचक सर्वनाम है। क्या है, कोई, कुछ, अनिश्चय वाचक ठीक है, मैं, तुम, हम, मैं, तुम, हम, यह क्या है, यह पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है, उत्तम पुरुष। यह क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम। अगला है, सर्वनाम के विकारक हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है और यहाँ पे ऑप्शन अलग अलग है। ठीक है, तो सर्वनाम के विकारक हैं, तो सर्वनाम के विकारक कौन कौन से होते हैं? तो सर्वनाम के विकारक कौन होगा? तो वचन भी होगा और कारक भी होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोनों। चलिए अगला देखते हैं।
अगला है, आप भले तू जग भला, इस वाक्य में आप है, आप भले तू जग भला, इस वाक्य में आप है, ठीक है। तो आप यहाँ पे बताना है कि आप क्या है, तो ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या है, कर्ता का बोध करा रहा है, ठीक है। आप भले तू जग भला, आप यहाँ पे किसका बोध करा रहा है, कर्ता का बोध करा रहा है। तो कर्ता का जो बोध कराता है वो क्या होता है, निश्चयवाचक, सॉरी निजवाचक सर्वनाम होता है। निजवाचक सर्वनाम अभी हमने आपको बताया कि जिस सर्वनाम से कर्ता का बोध होता है वह निजवाचक सर्वनाम होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, कोई बैठा है, इस वाक्य में रेखांकित सर्वनाम है, ठीक है। कोई यहाँ पे कोई, तो कोई किस कैसा सर्वनाम है, तो ये कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम में यह, वह, वे, ये सब क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम में क्या आता है, आप क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। और निश्चयवाचक सर्वनाम में कोई, कोई, कुछ, ये क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। संबंधवाचक सर्वनाम में जो, सो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मत छेड़ो मत छेड़ो आप ही चला जाएगा, ठीक है। मत छेड़ो आप ही चला जाएगा, इस वाक्य में रेखांकित पद सर्वनाम है, ठीक है। आप, अभी हमने आपको बताया कि आप क्या है, निजवाचक सर्वनाम है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। जो करेगा सो भरेगा, इस वाक्य में जो सो है, जो करेगा सो भरेगा, इस वाक्य में जो सो है, ठीक है। तो हमने आपको बताया था कि जो सो क्या है, जो सो संबंधवाचक सर्वनाम है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है, तुम्हें क्या चाहिए, रेखांकित का सर्वनाम भेद है, ठीक है। तुम्हें क्या चाहिए, रेखांकित का सर्वनाम भेद बताना है। तो ऑप्शन है निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी है प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी है संबंधवाचक सर्वनाम, और ऑप्शन ए निश्चयवाचक सर्वनाम। तो तुम्हें क्या चाहिए, ये इसमें सर्वनाम बताना है कि सर्वनाम का भेद क्या है। तो तुम्हें क्या चाहिए, इसमें क्या है, इसमें इसमें तुम्हें क्या होगा, तो इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा, ठीक है। प्रश्न पूछा जा रहा है कि तुम्हें क्या चाहिए, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है, अगला है, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, ठीक है। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, तो ऑप्शन ए आप घर जाइए, ऑप्शन बी आपकी पुस्तक कहाँ है, ऑप्शन सी आप जाने आपका काम जाने, ऑप्शन सी आप भले तो जग भला। तो निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है हमको बताना है, ठीक है। तो किस वाक्य में हुआ है, तो आप भले तो जग भला, यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे आपका प्रयोग किसके रूप में हुआ है, कर्ता का बोध करा रहा है, ठीक है। आपका प्रयोग यहाँ पे कर्ता का बोध करा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है, चले कि यह घोड़ा अच्छा है, यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है। तो ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी सर्वनाम, ऑप्शन सी विशेषण, ऑप्शन ए सार्वनामिक विशेषण। तो यहाँ पे यह है, जो यह क्या है, तो यह सार्वनामिक विशेषण है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, ठीक है। निश्चयवाचक सर्वनाम आपको बताना है, तो ऑप्शन ए क्या, ऑप्शन बी कुछ, ऑप्शन सी कौन, और ऑप्शन ए यह। तो निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है, तो यह है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है, इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, ठीक है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो ऑप्शन ए कौन, ऑप्शन बी कुछ, ऑप्शन सी कोई, और ऑप्शन ए वह। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम इसमें कौन सा है, तो कोई क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है, यह काम मैं आप कर लूंगा, पंक्ति में आप है, ठीक है। यह काम मैं आप कर लूंगा, इस पंक्ति में आप है, ठीक है। तो आप हमने बताया क्या है, निजवाचक सर्वनाम है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है, तो है सो है, ठीक है। आपको बता रहा है कि सो क्या है, तो ऑप्शन ए प्रश्नवाचक, ऑप्शन बी निश्चयवाचक, ऑप्शन सी संबंधवाचक, और ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं। तो सो तो क्या है, तो जो सो क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक है, ठीक है। किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक है, तो ऑप्शन ए कौन क्या किसने, ऑप्शन बी जो कोई वह, ऑप्शन सी है जिनका जो किन का, ऑप्शन सी है जिन्होंने उन पर उसकी। तो किस समूह में सभी सर्वनाम क्या है, प्रश्नवाचक है, तो किसमें है, तो ये ऑप्शन नंबर ए कौन क्या किसने, ये क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य है, ठीक है। ओ सॉरी, प्रश्नवाचक समूह है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, ठीक है। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में सर्वनाम बताना है। तो ऑप्शन ए प्रश्नवाचक, ऑप्शन बी निश्चयवाचक, ऑप्शन सी है निजवाचक, ऑप्शन सी संबंधवाचक। तो मैं अपने आप ही वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इसमें कौन सा सर्वनाम है, तो यहाँ पे क्या है,
आपका प्रयोग हुआ है। तो यह क्या है, यह निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।